राजस्थान का माहौल वैसे ही बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, उसकी वजह क्या है? अभी चाहे पद्मावत मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे उपचुनाव का रिजल्ट ले लीजिए, चाहे बेनीवाल जी की सभाएं ले लीजिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब राजस्थान को एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई पूछे कि कांग्रेस की जीत की वजह क्या थी, तो बड़ी वजह यही है कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, दो दोस्त हैं, एक बेकार है और एक बहुत ज्यादा बेकार है। तो जो बहुत ज्यादा बेकार है उसके बारे में कुछ पहले पता नहीं था, अब पता चल गया, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि यार बेकार वाले को चुन लेते हैं। यही उपचुनाव में कांग्रेस के साथ में हुआ है, वरना किसी भी कंडीशन में कांग्रेस का जीतना मुनासिब ही नहीं था। अब बात करते हैं भाजपा की हार की वजह। चलो एक साधारण सी बात करते हैं, राजस्थान में भाजपा सरकार ने पिछले 4 सालों में अगर काउंटिंग करें सब वैकेंसीज की, तो 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकाली, जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। बड़े मुद्दों पर बात करें बेरोजगारों की, तो एक वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की जो 2013 में आ जानी चाहिए थी, 2017 में आई है। जिस 2 महीनों के पीरियड में इस एग्जाम कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, उस 2 महीनों के पीरियड में अभी तक फॉर्म भरे जा रहे थे। पिछले 2 सालों से छात्रों की छात्रवृत्ति बाकी पड़ी है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में हुआ था वो है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन की कोई भी मांग पूरी तरीके से नहीं मानी गई। ऐसे काफी सारे फैक्टर थे जिन्होंने भाजपा को हराने के लिए भूमिका रची। और उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है, तो एक मशवरा है भाजपा सरकार के लिए, अगर अभी भी वक्त है लगभग 8 महीने का, अपना बेस्ट जितना दे सकती है, जितना उन्होंने वादे किए थे, जितनी घोषणाएं की थी, जितने झूठे जुमले फेंके थे, उनमें से अगर आधी भी सच कर पाई, तो शायद 8-10 महीनों बाद में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनमें जनता शायद उन्हें एक और मौका दे दे। क्योंकि मोदी लहर के साथ में आप सिर्फ एक चुनाव जीत सकते हैं, झूठे जुमलों के साथ में एक चुनाव जीत सकते हैं, बाकी अगर आप लगातार बने रहना चाहते हैं, विश्वास पात्र बनना चाहते हैं, वो झूठे जुमलों और झूठे वादों के दम पर मुनासिब नहीं है। वैसे भी हनुमान जी बेनीवाल के समर्थन में जितनी भी सभाएं हो रही है उनमें जितना जनता का सपोर्ट मिल रहा है, शायद संभवतया लगता है कि राज्य के सामने तीसरा विकल्प आ चुका है, जिन्हें अब कांग्रेस को और भाजपा सरकार को अपने ऊपर बोझ बनाकर चूज नहीं करना होगा। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन हाँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में जो जुड़ा होगा शिक्षा साहित्य समाज सिनेमा विज्ञान और तकनीक से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।